महानगर के विभिन्न मार्गों पर बहुत से विशाल पेड़ सूखकर जर्जर हो चुके हैं, जिसके गिरने से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। सोमवार को महापौर सीताराम जायसवाल ने महानगर में जर्जर और सूखे पेड़ों को 3 दिन के अंदर काटने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सूचित कर दिया है। बताते चले कि रक्षाबंधन के दिन सुबह सूरजकुंड धाम परिसर में विशालकाय पीपल का पेड़, जो बहुत पहले सूख चुका था, जिसको काटने के लिए स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन को सूचित भी किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सका, जिसकी एक शाखा गिरने से रक्षाबंधन के दिन ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने 3 दिन के अंदर महानगर के सभी सूखे पेड़ों को ठिकाने लगाने की कवायद शुरू कर दी है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। चाहे आपके पास जो इमरजेंसी गैंग है उसमें काटने वाले हो तो उससे कटवाइए। कब तक उसको कटवा लेंगे? 2-3 दिन में वो कट आकर आ जाएगा काम। महानगर में काफ़ी सूखे और जर्जर पेड़ हैं, जिसकी वजह से जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। कल एक हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो कब तक इस पर कार्रवाई होगी? समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि शहर में कई स्थानों पर दर्जनों पेड़ हमारे सूख गए हैं और उससे आए दिन कोई ना कोई चोटिल होता है। कल भी एक घटना घटी है। मैं शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि मैंने आज ही यही को निर्देश कर दिया है कि सभी पेड़ 3 दिन के अंदर काट कर स्टोर में लाए जाएं। एक तो उसे हमको जाड़े के दिनों में लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति होगी और आम नागरिकों को खतरे से राहत मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी और 3 दिन में के बाद कोई भी सूखे पेड़ इस शहर में दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जो पेड़ सूखे हैं किसी कारणवश देख रेख के अभाव में सूखे होंगे, जो पेड़ हरे हैं उनकी भी हम व्यवस्था करेंगे कि और सूखने ना पाए, उनमें ताजगी हरियाली बनी रहे, उससे पर्यावरण को भी सुरक्षा होती है। हम जहाँ नए पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पुराने पेड़ों का भी संरक्षण करेंगे। और आगे इस तरह की जो घटनाएं कल घटी हैं नहीं।